अब डॉक्टर साहब, इससे पहले जो कुछ ज़िमनी इलेक्शन हुए वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शिकस्त हुई, कई मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ने, पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी कादिर मंदुखेल साहब ने, फिर एक और इलेक्शन हुआ मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर नशस्त निकाली, और उसके बाद एक ये तकवीत पकड़ी इस बात ने कि शायद अगले स्टेप के लिए, अगले जनरल इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये इलेक्शन जीत जाती है तो ये फर्दर उनका स्टेप होगा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उससे तो वो सारा बयानिया जो पिछले 6 महीने रहा पीडीएम का जो कुछ रहा वो तो बयानिया फिर समझ लीजिए वो तो बिल्कुल ही बढ़ गया। किरण, दो बातें से बड़ी हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा उसका, और जिक्र ना होने की वजूहत ये हैं कि हम बहुत जल्द जो माजी करीब है उसको भूल जाते हैं। उसकी वजह ये कि सरदार जो साहब हैं जी, चूँकि वज़ीर आज़म थे, अब तो वज़ीर आज़म नहीं रहे वो, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि हमें इल्हाक पर गौर करना पड़ेगा। कश्मीरियों के दिल पे ये बात जाके लगी थी, तब से लगी हुई थी। फारूक हैदर साहब की, फारूक हैदर साहब नाम देना नहीं चाहता था मैं। उसके बाद इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बन के दिखा दिया जी। हर जगह पर इमरान खान ने कश्मीर की बात की, हर जगह वो ये कहता है कि सब जगह मजालिम पर आवाज़ उठती है, कश्मीर पर क्यों नहीं बोलते आप लोग, कश्मीर पर बात क्यों नहीं करते। उधर ये बयान आ रहा है हम इल्हाक पर गौर करेंगे, इधर ये बयान आ रहा है कश्मीर पर हम बात क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात ये जो अहम तरीन बात थी, इमरान खान की करप्शन से लड़ाई है, आज़ाद कश्मीर में भी करप्शन हुई है, और इमरान खान ने अपनी आखिरी तकरीर में जो कि उन्होंने वहाँ तकरीर की हमारे वज़ीर आज़म ने, उन्होंने वहाँ ये कहा था कि अगर मैं इनको छोड़ दूँ, ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, अगर मैं इनको छोड़ दूँ तो फिर मेरी इज्जत क्या है और आपकी इज्जत क्या है जो आपने वोट दिए थे, तो मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। ये बात उनके और दिल पर जाके लगी। फिर तीसरी बात, कश्मीरी ये नहीं चाहता, ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीरियों में बहुत उठता बैठता हूँ और कश्मीरी मुझे बहुत पसंद करते हैं। कश्मीरी ये नहीं चाहता कि वो उसको ये कहा जाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो कहता है हम बनेंगे ही पाकिस्तान, मतलब अगर हम इंडिया से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, पाकिस्तान ही बने, हमें कहो मत, हमें करने दो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा हमसे मत लगवाओ, हमें आज़ाद करो, आज़ाद करो फिर हम तुम्हें पाकिस्तान बन के दिखाएंगे। ये इमरान खान ने करके दिखाया, उन्होंने कहा आप आज़ाद हैं, हम आपको आज़ाद करेंगे, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के साथ शरीक हो, क्योंकि आप पाकिस्तान ही बनेंगे और क्या बनेंगे। सही सही। मुसद्दिक मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपके वक्त का। सर, जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मेरे पास सामने आ रहा है उसके मुताबिक मुझे हुक्मरान जमात सर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, मरियम साहिबा के पास जो नतीजा आ रहा है उनके मुताबिक उनको दिखाई दे रहा है वो लीड कर रही है, तो सर ज़रा ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसके बारे में डिटेल्स बता देंगे आप लोगों के पास जो नतीजा आ रहा है कहाँ कहाँ पर मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है। सर आगे कश्मीर में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो नतायज आ रहे हैं उसमें तो बज़ाहिर ऐसा ही दिख रहा है कि हम लोग लीड में हैं, और बाज़ जगहों के ऊपर CPI लीड में नजर आ रही है, मगर अगर आप तमाम जायजा लें तमाम हलकों का तो हमें बज़ाहिर यही दिख रहा है कि PMLN इस वक्त लीड में है। लेकिन इस वक्त जो काउंटिंग हुई है जैसा कि आपके टेलीविजन स्टेशन के ऊपर भी आ रहा है और हमारे पास भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं 5% है, कहीं 7% है, कहीं 10%, तो मेरे ख्याल में एक आध घंटे में सिचुएशन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी, मगर हमारा ये ख्याल है कि अगर ट्रेंड इसी चलते रहे जिस तरह इस वक्त चल रहे हैं, फिल्म मैरी भी 5-6% के ऊपर, 2-3% के ऊपर बाज जगहों में, तो हमें तो यही नजर आ रहा है कि अल्लाह करम करेगा और हम ये इलेक्शन। सही सर, अब तक इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, जिस तरह से पोलिंग हुई और अब जिस तरह से वोटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, सर उन तमाम प्रोसेस से मुस्लिम लीग नून मुतमईन है, सही काम हो रहा है, बेहतरीन हुआ है सर सब कुछ? जी, मैंने आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बड़ी स्पेसिफिक चीजें, कुछ मैंने हायर लेवल के ऊपर बातें की थी, मैं अगर आप चाहें तो आपके सामने पेश कर देता हूं। जी जी जी। जो प्री पोल रिगिंग हुई जिसमें कुछ मिनिस्टर्स तोड़े गए या कोटली के इलाके में या जहाँ पे आजाद उम्मीदवार खड़े किए गए ददियाल में या चक सबरी में या कोटला में, वो तो एक अलग बात है, वो हमारे यहाँ अक्सर होता रहता है। पोलिंग स्कीम और लिस्टों के अंदर भी गड़बड़ हुई जिसके नतीजे में बहुत से लोग जब अपने पोलिंग स्टेशन के पर गए तो उनको पता चला आज के उनके पोलिंग स्टेशन तब्दील हो चुके हैं, उससे भी कुछ कबाहत पैदा हुई। मगर जो अहम चीज थी वो ये थी कि कुछ सरकारी एहलकार जो हैं वो बाकायदा बाजारों के अंदर PTI के झंडे लेकर घूमते रहे, जिसपे इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई और उस शिकायत को अकोमोडेट भी किया गया और उन सरकारी एहलकारों को हल्का नंबर 32 से हल्का नंबर 33 में मूव कर दिया गया,
मगर अजीब सी बात ये थी कि हल्का नंबर 33 में भी लमिया बाजार में स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन इसी वजह से दे रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि हवा में बात हो रही, वो पीटीआई के झंडे उठा के फिरते रहे और सरकारी गाड़ी के ऊपर भी झंडे लगे रहे। तो ये मैं समझता हूँ कुछ रेगुलरिटीज हैं जो नहीं होनी चाहिए किसी भी इलेक्शन। उसमें जो अहम चीज आपके सामने आई जो बड़ी अनयूजुअल सी चीज थी वो ये थी कि पहली मरतबा एजेके के इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि कत्ल वारत हुई। एजेके के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है और तारीखी तौर पर कभी ये कत्ल वारत वाली या बहुत सख्त कलामी वाली सियासत यहाँ पर नहीं होती रही। तो ये बड़ा एक अहम पहलू है कि आज बहुत से स्टेशन के ऊपर मुसद्दिक भाई आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ, एक सवाल करना चाह रहा था आमिर लियाकत आपका भाई बात कर रहा हूँ, एक सवाल करना चाह रहा था वो ये कि वो आज आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की खिदमत नहीं ली, वो कह रहे थे हम इलेक्शन चोरी करना जानते हैं। नहीं मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, आप बड़ी स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहा हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो जिक्र पाकिस्तान की अच्छा ठीक अच्छा अच्छा और वो अक्सर मैं समझ बहुत तंजिया गुफ्तगू फरमाते हैं और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों का जो वोट होता है वो पामाल किया जाता है और पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग लोगों की जो उमंगें हैं वो वोटिंग रिजल्ट्स उसकी तर्जुमानी नहीं करती। लेकिन मैं जरा स्पेसिफिक बात आपके सामने पेश कर देता हूँ अगर आप इजाजत दें। जी जी बिल्कुल सर, आप कह लीजिए, मैं सवाल भी ले लीजिए सर मेरा, क्योंकि आप जो जिस तनाजुर में आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल्स आप अभी भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो सर जो पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ के वज़रा हैं जो रानुमा है वो तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं और सर फैक्ट भी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट तो थी नहीं वहाँ पर, सर आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो ये जो तमाम बद इंतज़ामी की आप बात कर रहे हैं या जो कुछ वहाँ पर होता रहा, ये आप डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो वहाँ पर है सर? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के तरीका कार के मुताबिक और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक तो केयर टेकर हुकूमत आती है, मगर कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया जाता है बहुत से ममालिक की तरह, तो नई हुकूमत नहीं आती अगर इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास तमाम ताकतें दे दी जाती हैं और हुकूमत भी तकरीबन उनको सबसर्वियंट। आज मैंने अपनी प्रेस टॉक में ऐसा कहा और इसका एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि कोई एक भी इलेक्शन कमीशन का हुक्म ऐसा नहीं था जिसकी तामील उसी दिन नहीं हुई, एक भी, यानी 100%। तो चैलेंज जो मैंने आज दोपहर में भी किया वो ये था कि कोई एक बात भी आप बता दीजिए जो इलेक्शन कमीशन ने कही है और उसकी तामील नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान का अगर आप रवैया देखें तो जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए मसलन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से या दीगर गुजरा के हवाले से कि उनको नहीं आना चाहिए या इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, तो हमको पाकिस्तान ने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया, जिससे जो एक हमारे यहाँ कानूनी तौर पे एक स्पेशल स्टेटस हासिल है कश्मीर को, यानी उनके पास ऑटोनॉमी है, उनकी ऑटोनॉमी जो है वो वायलेट हुई कि कश्मीर के इदारे जो हैं अगर वो कुछ फैसला करते हैं और पाकिस्तान उनको ओवर रूल करता है तो बहुत, बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ज्यादा ताकतवर है, इमरान खान साहब के पास ज्यादा ताकत है, मगर उस ताकत का इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं है, उससे कश्मीर के अंदर जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मैं उन तफासील में नहीं जाता क्योंकि मेरे ख्याल में आप तो आपका वो मकसद नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि किस किस हलके में क्या क्या हुआ है, वो मैं पहले भी प्रेस सर वो ओवरऑल हम सबसे उस पर हम उस पर सबसे बात कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब अगर शॉर्टली आप मुझे बता सकें, मेरा एक सवाल मुसलसल जब तक ये इलेक्शन कैंपेन कश्मीर की रही मैं मुसलसल ये सवाल उठाती रही कि मरियम बीबी ने ठीक ठाक जलसे किए हैं, अच्छी खासी कैंपेन की है वहाँ पर, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी स्टेज पर मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर के लिए ये किया है और इसकी बेस पर फिर कश्मीरी वोट दें। तो सर यही मुसलसल स्टेज से आवाज़ आती रही कि इमरान खान की हुकूमत ये, इमरान खान ने वो किया, इमरान खान ने ये किया, क्यों मरियम बीबी मुस्लिम लीग नून ने जो किया, नवाज शरीफ ने जो किया कश्मीरियों के लिए वो क्यों नहीं बता पाई सर, परफॉर्मेंस की बेस पर वोट क्यों नहीं मांगा सर? जी मैं बहुत से जलसों में शरीक था और वहाँ मौजूद भी था, तो मैं आपको जो गुफ्तगू वहाँ पे हुई वो आपके सामने पेश कर देता हूँ अगर आपकी नजर से वो चीजें नहीं गुजरी। मसलन ये तमाम जो सड़कों का जाल बिछाया गया है और पहली बार तारीख में बजाय इसके कि सिर्फ साइड रोड्स बनाई जाए मेन आर्टरीज बनाई गई हैं ताकि कश्मीर का एक एंड के साथ कनेक्ट हो जाए, जो किसी हद तक एक
गैर सियासी यानी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड पॉलिटिकल फैसला नहीं होता, वरना तो आप हर हलके के अंदर सिर्फ सड़कें बनाते हैं। तो ये इसका जिक्र किया गया पीएमएलएम के जलसों के अंदर। दूसरी बात जो पीएमएलएम के जलसों में बारहा की गई वो ये थी कि पीएमएलएम की हुकूमत से पहले वफाकी हुकूमत से 2.3 या 4% बजट मिलता था, जिसको 3.5% कर दिया गया, यानी तकरीबन दुगना कर दिया गया बजट, इसका भी जिक्र किया गया। तीसरी चीज जिसका जिक्र किया गया वो ये थी कि जितनी भर्तियां हुई कश्मीर के अंदर वो इस दफा सारी मेरिट के ऊपर हुई, और कश्मीर की भर्तियां जो हैं वो एक टेस्ट के जरिए की गई, ज्यादातर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। चौथी चीज जिसका बारहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको तमाम चीजें जिनका जिक्र, मगर वो क्योंकि सियासी बहुत ज्यादा पोलराइज बातें नहीं होती तो वो हेडलाइंस नहीं बनती या ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती या उन पर तबसरा नहीं होता, मगर ये तमाम चीजें, इसके अलावा 5-7-8 चीजें बड़ी बड़ी और हैं, जब आपके पास वक्त हो तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मुसद्दिक साहब का जिक्र हुआ जलसों में। बिल्कुल ठीक है मुसद्दिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप साथ मौजूद।